आज ये देखो 20 साल से जो बंदा नशा कर रहा था रात दिन पूरा, आज आपके सामने है। पूरे 3 महीने हो गए, कोई जो एक दिन जो 4 बजे से शुरू हो जाता है आज 3 महीने हो गए वो कैसे रह सकता है? ये अनुग्रह नहीं तो क्या है? ये उसकी कृपा नहीं तो क्या है? बोलो क्या है? इसलिए बाइबल में लिखा जो उस पर विश्वास करेंगे वो लज्जित नहीं होंगे। इस ब्रदर जी का नाम बॉबी है और जी खालसा कोट के रहने वाले हैं और इनके साथ जो है वो इनके फादर साहब हैं और इनके फादर जी की गवाही है और जी ब्रदर जी की ब्रदर जी ने बताया है क्योंकि जी ऑनलाइन मीटिंग को 3 महीने हो गए थे कि देख रहे थे और जो मीटिंग थी वो सुसमाचार इनके इस ब्रदर जी के जो चाचा जी है वो इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे और उन्होंने इनको दिया और उन्होंने मीटिंग को शेयर किया और उत्साहित किया कि आपने इस मीटिंग को ज़रूर देखना है। तो जैसे जी ब्रदर जी ने 3 महीने से ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे तो जैसे इनको टीच करते रहे इनके चाचा जी ने कहा कि आपने रिसीव करना है क्योंकि जो इनके फादर साहब हैं जो बता रहे हैं कि इनकी मैरिज से पहले ही जो ड्रिंक का नशा करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक का नशा करते थे, जो बताते कि सुबह 4 बजे जो उठकर ड्रिंक करना शुरू कर देते थे और जहाँ तक कि अभी तक जो ऐसे नशे में करते ही आ रहे हैं। तो जिसके कारण नशा तो करते थे प्लस नशे के कारण इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई क्लेश रहता था, बहुत ही ज़्यादा। तो जिसके कारण जो ब्रदर बहुत परेशान थे पर जैसे जो ऑनलाइन मीटिंग को देखते रहे तो जो बताते कि जब प्रभु के दास दुखी और बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे जैसे प्रभु के दास के द्वारा वर्ड्स आता था कि जो नशे की दुष्ट आत्माएँ जहाँ नशे में हैं जिनके बच्चे जिनके पति हैं तो जैसे इनको बताया गया तो जो रिसीव करते रहे जो धन्यवाद देते रहे। तो जैसे जे ब्रदर जी फर्स्ट टाइम जे क्रिसमस 25 दिसंबर की मीटिंग में आए थे तो उस दिन इन्होंने बताया कि मैं अपने फादर साहब के लिए रिसीव करता था और अभी इन्होंने जो ड्रिंक का नशा है वो बिल्कुल छोड़ दिया। तो जे अपने फादर साहब की गवाही देना चाहते थे पर इनको और भी टीच किया गया कि पहले आप लगातार मीटिंग में आए और जो क्योंकि इन्होंने कहा था कि इनके फादर साहब अभी विश्वास नहीं करते, वो चर्च नहीं आ रहे, तो इनको सिखाया गया आप उनके लिए विश्वास करें कि वो आपके साथ है। तो जैसे जे विश्वास करते रहे तो आज इनके फादर साहब अभी चर्च आ रहे, पिछले संडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया है और फिर पर्सनल मंडे की मीटिंग भी इन्होंने प्रभु के दास के साथ जब की तो इनको और भी उत्साहित किया गया। तो जब इन्होंने बताया कि जो बहुत लंबे समय से जो नशा करते थे और नशे के कारण जो बता रहे कि इन पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, 4 से 5 लाख का कर्ज था क्योंकि ड्रिंक के नशे में जे अपने जो इनके यार दोस्त थे उनको भी ऐसे जब जे नशा करते थे उनके साथ होते थे तो जे बताते कि नशे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था, जे औरों को भी जितने पास जो इनके पास पैसे होते थे वो खर्च कर देते थे नशे में और बहुत सारे लोगों को इन्होंने नशे की हालत में पैसे भी दे दिए जिसके कारण इन पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया और जो लोग अभी तक इनको पैसे नहीं दे रहे तो जो इसके कारण नशे के कारण इनके घर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। पर जैसे ही इस ब्रदर जी ने रिसीव किया, प्रभु का अनुग्रह इनके जीवन में आया तो आज ब्रदर जी जे जो इनके फादर साहब हैं पूरी तरह इस नशे को छोड़ चुके हैं। अभी जब बता रहे हैं कि 3 से 4 महीने से प्लस ही टाइम हो गया कि इन्होंने पूरी तरह से इस ड्रिंक के नशे को छोड़ दिया है और अभी जे प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करते कि प्रभु ने अभी इनको एक नया जीवन दे दिया है, नहीं तो इनको नशे में कोई पता नहीं था, इनके पूरा जीवन नशे में निकल जाना था अगर प्रभु का अनुग्रह इनके जीवन में ना आता। पर आज ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस परमेश्वर की दया से आज पूरी तरह से इस नशे से जो फ्री हो चुके हैं और इस बड़ी गवाही से जो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। सुनो सुनो, कितने साल से नशा करते थे? थोड़ा माइक देना इनको। क्या नाम क्या आपका? माइक अप। हाँ, दीशा। दीशा, क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप? कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन, सरकारी जॉब है आपकी? कितने साल से नशा करते थे आप? 20 साल हो गए। बल्ला बल्ला, 20 साल से नशा कर रहे हैं, देख लो। सुबह 4 बजे तो शुरू हो गया। 4 बजे से सुबह, 4 बजे सुबह से शुरू हो जाते थे। ओह, और 2-3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए और देखो
अब वो भी मेरा बेटा नहीं होता ना, ये आपका बेटा है, ठीक है, इनको इनके बेटे को देना। जय मसीह की। आप कितने महीने पहले इस मीटिंग को देखते थे? 3 महीने से। और तब से जैसे ही आपने ऑनलाइन अपने घर में मीटिंग को देखना शुरू किया, हाँ जी, और अपनी उन खुदावंद के जीवित वचनों को सुनकर ये विश्वास किया कि परमेश्वर, अगर यहाँ पे आप गवाहियां सुनते होंगे अलग अलग तरह की, नशे की भी, बीमारियों की भी, है ना, कि परमेश्वर अगर उनको आजाद कर सकते हैं तो क्या मेरे पापा को इस नशे की लप से, इस दुष्ट आत्मा से नहीं आजाद कर सकता? तो आप घर में ही रिसीव करते थे इनके लिए, और जैसे ही आपने शुरू किया तभी खुदा का अनुग्रह होगा इनके ऊपर, और इन्होंने ड्रिंक छोड़ दी। देखो अभी अभी देखो खुदावन कितना अनुग्रहकारी है। अभी ये घर में मीटिंग देखता था तो परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया, और इसके रिसीव करने से, उन वचनों को ग्रहण करने से, जो नशे की दुष्ट आत्मा इनके ऊपर क्या कर रही थी, रास कर रही थी ना, 4 बजे से सुबह नशा करते थे, और आपने सुना के लाखों का खर्च कर लिया, 5 मतलब नशा तो अलग से पता नहीं कितना का हो गया, मतलब नशे के कारण 4-5 लाख खर्च भी हो गया एक सरकारी बंदा जॉब करने वाले के ऊपर, जो नशा किया वो पता नहीं इतने सालों में लाखों का तो किया ही होगा ना, किया होगा कि नहीं? बहुत ज्यादा जी, हाँ, अगर हिसाब लगाए, टोटल लगाए तो कितने लाखों का हो जाएगा। अभी तो हम बता रहे हैं कि 4-5 लाख तो इनके ऊपर कर्ज ही हो गया नशे के कारण, पर लाखों का तो नशा भी किया है, अगर उसको भी मिलाए तो कितना बड़ा लाखों की रकम बन जाएगी। पर खुदावंद अनुग्रहकारी है, जो उस पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों को ग्रहण करते हैं, और ये विश्वास रखते हैं कि वो किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया है। क्या आया है? तो इनके बेटे ने देखो सबसे पहले, क्योंकि इसका जो इनका बेटा है उसका चाचा जी है जो जहां पे आते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ये गुड न्यूज दी। क्या दी? अगर वो गुड न्यूज ना देते, इन्हें ना ये मीटिंग शेयर करते, इसलिए मैं क्यों कहता हूं कि अगर आप विश्वासी हो तो अपने रिश्तेदारों को देखो, उन्हें सेंड करो, आप गवाहियां सुनते उनको सेंड करो, आगे आगे शेयर करो, ताकि किसी का जीवन बचे। अगर ऐसा इनके चाचा जी अगर इनको शेयर ना करते, इन्हें ना बताते, आप देखो देखो देखना सब कुछ सही हो जाएगा, अगर थोड़ा सा वो इन ऐसे करके ना इन्हें टीच करते, ना बताते, तो आ ये पता नहीं फिर क्या होता, हाँ आगे जाकर। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का जिसने इस बड़े अनुग्रह से, इस बड़ी लप से इन्हें बचाया है। आमेन, क्योंकि वो सच में बचाने के लिए आया है, किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। आज ये देखो 20 साल से जो बंदा नशा कर रहा था रात दिन पूरा, आज आपके सामने है, पूरे 3 महीने हो गए, कोई जो एक दिन जो 4 बजे से शुरू हो जाता है, आज 3 महीने हो गए वो कैसे रह सकता है? ये अनुग्रह नहीं तो क्या है? ये उसकी कृपा नहीं तो क्या है? बोलो क्या है? इसलिए बाइबल में लिखा, जो उस पर विश्वास करेंगे वो लज्जित नहीं होंगे। कुछ कहना चाहते हैं आप? और जैसे नशा छूट गया कोई बात नहीं, आप घुटने की बोल रहे हो तो उसका भी अनुग्रह परमेश्वर कर चुका है। बोलो क्या है? अगर उसने इतना बड़ा काम कर दिया है तो ये क्या है, घुटने की क्या बात है? बोलो क्या है? अगर उसने इतना बड़ा काम कर दिया है तो ये भी कर चुका है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से। तेरे कोले आके तेरू दाई ना पाके।
जी जी एक बात भी कहना चाहते हैं, इन्होंने बताया था कि जब ये 25 दिसंबर के दिन जब अपने फादर साहब की टेस्टामेंट देना चाहते तो ये पिक पर कहते थे कि इनकी पिक देंगे, पर इनको उत्साहित किया गया और ये कहते थे कि मेरे फादर साहब कभी नहीं आएंगे, पर अच्छा। जैसे जे विश्वास करते रहे तो जे आज खुद धन्यवाद करते कि परमेश्वर इनके अच्छा, फादर साहब को 25 को इन्होंने बताया था, जो क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं यीशु मसीह के जन्म के लिए, तो ये फोटो लेकर आए थे कि गवाही देने के लिए, तो इन्होंने बच्चों ने टीम ने कहा कि नहीं, बोले क्या है वो आएंगे, क्या आएंगे वो, अविश्वास करो वो आएंगे, वो कहते वो कभी भी नहीं आएंगे। ये देखो खुदा का बड़ा फसल और उसका बड़ा प्रेम है, धन्यवाद करो, इसी तरह से बढ़ते जाओ क्योंकि ये सच्चाई है, अब बढ़ना है, उसने बुला लिया ना अपने राज में, बुला लिया है, अब उसे समझना और उसमें बढ़ना है, सीखना है वो क्या चाहता है, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे।